काटोगे तो कटोगे। कुछ महीने पहले याद होगा आपको कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया था। अब इस संदेश को मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दोहराया है। एक कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने हिंदुओं से अपील की कि अगर आप बटोगे तो कट जाओगे। हरियाणा की जनता ने संदेश दे दिया है कि हम नहीं बटेंगे, क्योंकि 25 साल बाद हमारे बच्चों को खतरा होगा। जिस तरह से देश की डेमोग्राफी बदल रही है, विजयवर्गीय के बयान पर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी समाज को बांटने का काम करती है। इसी पर करेंगे महा डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। पहले सीएम योगी ने चेताया, अब विजयवर्गीय ने दोहराया। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। धर्म के आधार पर बांटेंगे, निश्चित रूप से ये देश बटने की बात आ जाएगी, ये देश कटने की बात आ जाएगी। बटेंगे तो कटेंगे, एकता में टिकेंगे। आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है, हिंदू एकता का संदेश क्यों सियासी कलेश? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमें अमुक धर्म के वोट चाहिए और दूसरे धर्म के वोट नहीं चाहिए। संविधान सबको एक अधिकार देता है, देश सभी का है। बांटने वाली नीति, कौन कर रहा राजनीति? एक बार फिर हिंदुओं को एक रहने की अपील की गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने एक कार्यक्रम में कहा कि बटोगे तो कटोगे, इसीलिए एक रहना होगा, क्योंकि 25 साल बाद नई पीढ़ी के लिए खतरा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है और बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाया है। अब सवाल ये आता है, हिंदुओं की एकता किसे चुभ रही है? क्या एकता का संदेश देना गलत है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। अब सवाल ये आता है, कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के मायने क्या है? क्योंकि हर कोई इस बयान को अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। राजनीति है, बयानों को इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्या हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है? महाडिबेट करेंगे, लेकिन पहले सवाल देख लेते हैं जिन सवालों पर महाडिबेट फोकस करेगी। पहला सवाल रहेगा, बटेंगे तो कटेंगे, क्या एकता में टिकेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं को एक साथ रहना, यानी कि जातियों में भी नहीं बटना है। अगला सवाल, हिंदुओं को पुकारा तो इसमें सियासत कैसी है? हिंदुओं को एक साथ रहने की बात कही जा रही है। तीसरा सवाल रहेगा, एकता की बात तो ये चुभती किससे है? इससे किसको नुकसान है? जो बात किसको चुभ रही है, किसको फायदा है, इस पर भी बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं आपको परिचय मेहमानों का करवा देती हूं। बीजेपी के विधायक हैं आशीष शर्मा जी, स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं अनस अली नदवी साहब, राकेश प्रजापति जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सूर्य मैथिल जी हैं, स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूं मैं, क्योंकि कांग्रेस को अक्सर हिंदुओं को एक साथ रखने की बात जब कही जाती है तो कांग्रेस को इसमें बीजेपी का फायदा दिखता है, क्यों? देखिए अपर्णा जी, साफ बात है, वो सच बात है। सैकड़ों वर्ष की भारत को गुलाम रहते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए सारे जाति धर्म के लोगों ने इकट्ठे होकर के अंग्रेजों को खदेड़ के भगा दिया और एकता का परिचय दिया, शहादतें दी, लेकिन देश को आजाद करा दिया। देश कभी न झुका है, न कभी टूटा है, न कभी कटा है। ये तो माननीय मंत्री जी को खुद भी चाहिए कि संवैधानिक पद पर है, चाहे माननीय मंत्री जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हो, उन्होंने भी चुनाव के पहले इस तरह की बंटवारे की राजनीति किए जाने की पूरी कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ हमारा संविधान भी कहता है, हमारी सनातन संस्कृति भी कहती है, हमारे देश की संस्कृति भी कहती है, हम इस देश भारत का नाम ही इस बात से पहचान में होती है कि तरह तरह के फूल होते हैं, तरह तरह की भाषाएं होती हैं, तरह तरह के आभूषण होते हैं, सबको इकट्ठा कर दिया जाए तब वो भारत बनता है। इसीलिए संविधान में एक व्यवस्था दी गई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब भाई भाई की तरह है। और राज्यसभा कैसे भविष्य वक्ता है कि माननीय विजय वर्गीय साहब का बड़ा आदर करता हूं मैं, और आदर के साथ कहूंगा कि आप ऐसी भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो, एक पल का किसी को पता नहीं है, ये 25 साल बाद आने वाले समय की घोषणा कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं सरकार ने इनको हाशिए पर रख दिया है और इसलिए माननीय विजय वर्गीय साहब ऐसे बयान देते हैं जिस पर हम लोग आप चर्चा करें मीडिया में सुर्खियों में आए, लेकिन मैं समझता हूं देश की एकता और अखंडता को कोई नहीं तोड़ सकता। आशीष शर्मा जी, क्यों डर है बीजेपी को कि हिंदू बट जाएंगे, कौन बांट रहा है हिंदुओं को? जिस देश में 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मंसूबे पलते हैं, जिन्हें हमारे पुलिस और खुफिया विभाग के लोग बेनकाब करते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा स्वतंत्रता से नहीं की जा सकती, केरल जैसे राज्यों में जहां पर हिंदुओं के त्योहार ठीक से नहीं मनाए जा सकते, उस देश में जहां छोटी छोटी बात पर सांप्रदायिक तनाव खड़ा हो जाता है, वहां अगर एक धार्मिक कार्यक्रम में, नवरात्र के कार्यक्रम में हिंदुओं को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि अगर हम जातियों में विभक्त होंगे, अगर हम आपस में बटेंगे, तो आने वाला समय बहुत ही खराब आने वाला है। मैं इसे गलत नहीं मानता, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालकर राज करने की नीति को अपनाया और इतने वर्षों तक राज करते रहे। आज भी देश में कुछ राजनीतिक दल है जो जातियों में समाज को बांटकर और राजनीतिक मंसूबों को सफल करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से बहुत सारे आक्रमण सनातन धर्म पर हो रहे हैं, उससे हमारे आने वाली पीढ़ी को आगाह करना भी हमारा कर्तव्य है। और इसलिए कैलाश जी हो चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, उन्होंने सही संदेश दिया, यदि हम आपस में अगर बढ़ जाएंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होने वाला है, और निश्चित ही अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय की चुनौतियां हमें दिख रही हैं। कैलाश जी ने आने वाली युवा पीढ़ी को भी सही कहा है कि अगले 25 साल में इस देश की डेमोग्राफी जिस तरह से चेंज हो रही है, जिस तरह से बदलाव हो रहा है, पर्यावरण में भी बदलाव आ रहे हैं बहुत, अक्टूबर के महीने में इंदौर में झमाझम बारिश हो रही है, उसके बारे में भी सोच लेना चाहिए। अनस साहब ये बताइए, मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, मुसलमान हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या फिर गाजा का हो, सभी मुसलमान भाई भाई हैं, और अगर यही बात हिंदुस्तान में हिंदू कर रहे हैं अपने लिए, अपने आप को एक साथ रहने की बात कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस पस मंज़र में बयान दिया, राजनीतिक बयान जो दिया गया है, मैं समझता हूँ कि वहाँ उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो बांटेंगे नहीं तो सत्ता का सुख कैसे काटेंगे। मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ कि अगर विशाल हृदय के साथ ये बात करते, एक बड़ा दिल रख के ये बात करते कि ये बात सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, हिंदुस्तानियों के लिए है, हर भारतीय के लिए है, कि बटोगे तो कटोगे, कि हिंदुस्तान तो मेरे समझ में आता कि जो आप ये राग अलापते हैं राष्ट्र का, राष्ट्रवाद का, तो आपके पास से ये महक आती है, खुशबू आती है कि आप राष्ट्रवाद की तरफ लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सभी के लिए है कि जो हिंदुस्तानी आपस में बटेगा यकीनी तौर पे वो कटेगा, मगर ये सिर्फ उन्होंने एक वर्ग विशेष के लिए, हिंदू भाइयों के लिए कहा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत उनकी सोच है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अब चूँकि अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है, इस वक्त हिंदुस्तान के जो आवाम है वो ये चाह रही है कि हम विश्वगुरु बनने की तरफ जाएँ और पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजाएँ, तो मैं ये कह देना चाहता हूँ साफ तौर पर इस तरीके के बयानबाजियों में कि अब अगर ऐसे बयान आएंगे कि बटोगे तो ये समझ लीजिए कि आप सत्ता बटोगे तो आप सत्ता से हटोगे, और बांटोगे लोगों को तो बांटने का काम करोगे, बांटोगे तो आप सत्ता से वनवास काटोगे, तो ये अच्छी तरीके से समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि सभी की एकता की बात कह रहे हैं, कांग्रेस डाइवर्सिटी की बात कर रही है, ठीक है वो सब कुछ ठीक है,
यही बात आप लोग जरा उनको भी कहते हैं जो यहाँ पर फलस्तीनी झंडे लहराते हैं, तब आप क्यों नहीं कहते कि हिंदुस्तान की सोचो, हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं। मैंने तो आपसे कहा ना कि अगर फलस्तीन की बात आप कह रही हैं और फलस्तीन के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो इंसानियत है अपने अंदर के नहीं है, आपके अंदर भी इंसानियत है। अगर आपके सामने कोई प्यासा तड़प रहा है, भूखा भूख में है, तो आप उसकी मदद करेंगे या नहीं, बिल्कुल मदद करेंगे। लेकिन बात वहां पर आती है ना कि माध्यम से मुझे ये पता चला कि एक फ्लाइट है, एक विमान उड़ा, उसमें तकनीकी खराबी है, उसकी वजह से वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। तो अब मैं ये दुआ करने लगूं कि वहाँ जो मुसलमान है उनकी हिफाजत की जाए। भाई वहाँ तो जितने लोग परेशान हो रहे हैं, बात है यही बस यही एक अच्छा संदेश है ना जो जाना चाहिए, इंसानियत है, बिल्कुल इंसानियत ही सबसे ऊपर है, ठीक है। इस तरीके के बयानबाजी मुस्लिम समुदाय की तरफ से तो नहीं आती कि साहब हिंदुओं से अलग करने की बात करें या किसी और मजहब से अलग करने की बात करें। हम तो ये बात करते हैं कि देश को आगे रखते हुए देश के अंदर एकता को लेकर चलने वाली बात, ये तो हमारा मैसेज होता है। इस्लाम भी यही कहता है कि जिस देश में उस देश का कानून मानिए, उस देश के नियमों को सबसे आगे रखिए, ठीक है। राकेश, बिल्कुल सारे मेहमानों को शामिल कर लेती हूँ नदवी साहब, फिर आगे आऊंगी आपके पास। राकेश प्रजापति जी, ये तो बिल्कुल प्रूवन है कि अगर सनातन की पिच होगी तो उस पर जो बैटिंग करने बीजेपी उतरेगी तो जाहिर तौर पर सिक्सर्स ही मारेगी। एक बार फिर से उसी पिच पर इस तरह की बयानबाजी, जी राकेश, पहले तो मैं ये कह दूं कि बीते एक दशक से हमारे देश का राजनीतिक जो इकोसिस्टम है वो बड़ा दूषित हो चुका है। हम सत्ता के लिए ये सारी सब क्या कहते हैं बयानबाजियां होती रहती हैं, जिससे एक सामाजिक ताना माना जो है एक तरीके से बिखर रहा है। और अगर इसी तरीके की अगर बयानबाजियां होती नहीं तो भविष्य के ये देश हम उस इसमें चले जाएंगे जहां जहां क्या कहते हैं लोग जात पात के नाम पर, धर्मों के नाम पर कटेंगे। ये देश को अगर बात कर रहे हैं, अगर 80-20 की बात करते हैं कि 80 हम हिंदू आबादी 80% है और 20% मुस्लिम आबादी, तो ये किसको दिखाना चाह रहे हैं भाई? ये जो हिंदुस्तान है, ये इसकी एक वैभवशाली परंपरा और संस्कृति रही है। मुस्लिमों और मुगल साम्राज्य जो लगभग 331 वर्षों तक इस देश के ऊपर काबिज रहा है, जिसने अपना शासन चलाया है 1526 से लगभग 1857 तक के लगभग 331 वर्षों से भारत के ऊपर मुगलों का राज रहा, तब तो हमारी संस्कृति खराब नहीं हुई, ना दूषित हुई, ना कोई कटा, ना कोई बिटा बटा। अब रही बात अंग्रेजों की, बात करते हैं तो अंग्रेजी इस्लाम क्या कहते हैं ईसाइयत का उनका बोलबाला रहा अंग्रेजों का 1857 से लेकर 1947, लगभग 90 साल, लगभग 90 साल तक अंग्रेजों ने इस भारत को देश किया, तभी हमारी इस भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म जीवित रहा। हम लोगों ने अपने वैभवशाली संस्कृति की पूजित पालित और पोषित करता रहा, हम उस संस्कृति से आज भी हमारी संस्कृति देश और दुनिया के अंदर पूरा एक क्या कहते हैं लोग हमारे देश को बड़े श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। तो लगभग 420 सालों से इस देश के ऊपर भारत सरकार, भारत के ऊपर मुगलों ने या अंग्रेजों ने राज किया, उसके बावजूद भी हमारी देश की संस्कृति कभी खराब नहीं हुई। तो ये जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये डराने का जो काम कर रहे हैं, ये देश के लिए, मेरा एक मानना है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। सूर्या जी, अर्पणा, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और आज राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे चार लाइनें याद आ रही हैं, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर है उनके लिए, वरिष्ठ पत्रकार के लिए और कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए, कि आईना जब भी उठाया करें पहले देखा करें और उसके बाद दिखाया करें। अभी ये लगातार सभी लोग बोल रहे थे कि श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी ने हिंदुओं को भड़काने की बात की। मैं कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप मुझे समय देंगी। देखिए, बिहार का सीमांचल आज के समय में मुस्लिम बाहुल्य हो चुका है, वहां पे डेमोग्राफिकल चेंज हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले और कुछ जिलों का मैं डेटा आपको दे रहा हूं। मुरादाबाद में 50% हो गए, बिजनौर में 43%, रामपुर में 50%, सहारनपुर के अंदर 42%, मुजफ्फरपुर के अंदर 41%, अमरोहा में 40, बरेली में 35, मेरठ में 34, बहराइच के अंदर 40%, और जो सीमावर्ती क्षेत्र है पीलीभीत और सिद्धार्थनगर, वहां पर 35% पार कर चुके हैं मुस्लिम।
मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर एक साजिशन तरीके से जो देश की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है उसके पीछे कौन है। एक और महत्वपूर्ण बात, केरल के अंदर हिंदू माइनॉरिटी हो चुका, 7 स्टेट के अंदर हिंदू माइनॉरिटी हो चुका, बंगाल के अंदर 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कि हिंदुओं का नाम लेवा पानी देवा नहीं है, हिंदुस्तान में मंदिरों में पूजा करने के लिए वहां पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। एक बात और, ये कह रहे थे मुस्लिम स्कॉलर बड़े प्यार मोहब्बत से कि हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, इस्लाम में तो ये खूबसूरती आपने भी मोहर लगाई थी। तो मैं आपको एक 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 उदाहरण दे रहा हूं, पेरम्बदूर जिला तमिलनाडु का, उसमें कोलतार गांव 70% आबादी मुसलमानों की हो गई वहां पर, तो वहां पर उन्होंने वहां के अति प्राचीन मंदिर में पूजा पाठ होने से रोक दिया और कहा कि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं भैया, इसलिए आप पूजा पाठ। मैथिल जी लौटूंगे आपके पास, एक बड़ी खबर इस समय आ रही है कि सुरक्षित लैंड कर लिया गया है वो प्लेन जो पिछले 2 घंटे से आसमान में चक्कर काट रहा था, लैंडिंग गियर में खराबी की वजह से सुरक्षित इस प्लेन को लैंड कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, राहत की खबर है। 140 के आसपास जो यात्री सवार थे इस प्लेन के अंदर, उनके परिवारों के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। आज के दिन की सबसे अच्छी खबर मैं कहूंगी, क्योंकि वो तमाम यात्री जो क्रू था उस प्लेन के अंदर वो सुरक्षित उतार लिए गए हैं, बड़ी खबर। तो एयर इंडिया के विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है शारजाह ये प्लेन जा रहा था, लेकिन हाइड्रोलिक फेलियर होने की वजह से ये इसमें कोई ग्लिच आ गया, इसे आसमान में चक्कर काटने पर चक्कर क्यों लगी, इसका फ्यूल खत्म हो जाए और फिर उसके बाद इसकी दिल्ली लैंडिंग कराई गई, सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है। त्रिचि एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग एयर इंडिया के विमान की हो गई है, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 5:45 पर इसने उड़ान भरी थी त्रिची से, जो है शारजाह जाना था 5:45, लेकिन तो ये आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया किस तरह एम्बुलेंस वहां पर लगा दी गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर थी और यहां सुरक्षित लैंडिंग, 141 यात्री प्लेन के अंदर सवार थे वो सभी सुरक्षित उतार लिए गए हैं, प्लेन का जो क्रू था वो भी सुरक्षित यहां पर लैंड करा लिया गया है। ये बड़ी खबर है, एक बार मैं फिर कहूंगी राहत की खबर है हम सब के लिए भी और उन परिवारों के लिए भी जिनके लोग इस प्लेन में सवार थे, वो सभी सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी खबर, हवा में चक्कर काटता रहा विमान 2 घंटे के आसपास, ये हवा में ही चक्कर काट रहा था ताकि इसका फ्यूल खत्म हो, उसके बाद इसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई जा सके। त्रिचि एयरपोर्ट पर ही सुरक्षित इसे लैंड करा लिया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाइड्रोलिक फेलियर इसका हो गया था, त्रिचि के आसपास ही ये मंडरा रहा था और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से ये शारजाह ये विमान जा रहा था। तस्वीरें भी थोड़ी देर में आएंगी, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहां प्लेन से जो यात्री उतरे हैं, ये लाइव ट्रैकिंग रूट भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ऊपर आसमान में ये प्लेन चक्कर काट रहा था। जो आप पूरी ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये उसी रूट की लाइन है जहां पर ये प्लेन पूरा चक्कर काट रहा था। दो घंटे तक हवा में रहने के बाद इस प्लेन को यहां पर लैंड कराया गया है, सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है। पायलट ने हाइड्रोलिक फेलियर के बारे में एयरपोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया था, जिसके बाद वहां एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर लगा दी गई थी और अब उसे सुरक्षित उतार लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और पहले ही एयरपोर्ट डायरेक्टर की ओर से कहा गया था कि ये सुरक्षित उतार लिया जाएगा, ऐसा ही हुआ और इस खबर के बाद, इस अच्छी खबर के बाद हर कोई राहत महसूस कर रहा है। उड़ान भरने के बाद ये तकनीकी खराबी फेस की पायलट ने इसके बारे में इन्फॉर्म किया एयरपोर्ट को, जिसके बाद तमाम वो जरूरी कदम उठाने शुरू किए गए जो ऐसे केसेस में उठाए जाते हैं और उसके बाद करीब 2 घंटे के समय के बाद विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया गया। तो विमान में हाइड्रोलिक फेलियर तब होता है जब लैंडिंग गियर होता है, ब्रेक या फ्लैप ऐसे कोई महत्वपूर्ण भागों को नियंत्रित करने के लिए जो लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है वो सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर देता है।
को करा लिया गया है। 141 लोग इस विमान के अंदर सवार थे, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है ये, बहुत ही राहत भरी खबर है ये। 2 घंटे तक हवा में रहने के बाद अब इस प्लेन को सेफली लैंड कराया गया है। तो विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आने की सूचना पायलट ने एयरपोर्ट को दे दी थी, जिसके बाद 2 घंटे तक हवा में चक्कर काटता रहा। वो लाइव ट्रैकिंग रूट भी हमने आपको दिखाया था और वहीं त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर काटता रहा। फिर इसे लैंड करा लिया गया है। त्रिची एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है। 2 घंटे तक हवा में रहने के बाद इसे लैंड कराया गया है। 141 लोग जो सवार थे इसमें, उन्हें सुरक्षित उतार लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहत महसूस की है इस खबर के बाद सभी ने। वहां पर भी त्रिची एयरपोर्ट पर भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी लगा दी गई थी, एम्बुलेंसेस यहां पर लगा दी गई थी और अब इसे सभी को सुरक्षित लैंड कराया गया है।